हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग एंड वेलकम बैक टू परमाकुर्मी व्लॉग। कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम लोग भी ठीक ठाक हैं। और सुबह सुबह मैं मशीन लगा रही हूँ। माइंक चला गया है स्कूल और हस्बैंड भी निकल गए हैं जिम के लिए, तो बस उसके बाद मेरी क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट होती है घर का। आज एक्चुअली फुल्ली क्लीनिंग मैं कैसे रूटीन बिताती हूँ हस्बैंड और बच्चे स्कूल चले जाने के बाद, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट आए थे कि दी आप सिर्फ रेसिपी दिखाते हो और जब आप घर में आपका हस्बैंड काम पे चले जाते हैं, बच्चे जो है माइंक स्कूल चला जाता है, उसके बाद आप क्या क्या करते हो? आप बोलते हो एडिट करके वीडियो डालते हो, तो कब डालते हो, कब टाइम मिलता है? तो इस टाइम पे मुझे टाइम नहीं मिलता है। और ये आज सुबह का ही क्लिप है और मैं यहाँ पे ना जो कपड़े धोने के लिए लगाने हैं, मतलब कल लगाऊंगी धोने के लिए, वो सारे कपड़े ना मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ एक्चुअली, क्योंकि ये क्या होता है ना, एक्चुअली सच बात बता रही हूँ, क्योंकि सारे कपड़े ना इकट्ठे हो जाते एवरी डे बेसिस में, मुझे देख देख के चुन चुन के मुझे कपड़े निकालने पड़ते हैं। तो वही चीज़ मैं अभी कर रही हूँ, फिलहाल सारे कपड़े निकाल रही हूँ देख देख के। और ये ना बेडशीट मैं चेंज करूँगी थोड़ी देर बाद ही करूँगी, क्योंकि ये वाली बेडशीट ना बहुत गंदी लग रही थी मुझे। गंदे इन द सेंस, 2-3 दिन तो हो ही गए हैं, अब चेंज कर ही देना चाहिए। तो फिलहाल इसको ठीक ठाक करके मैं जाऊँगी, बाकी काम करूँगी, टाइम मिलेगा आके मैं चेंज कर लूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी। लेकिन आज मैंने चेंज कर ही दिया था इसको, वो मैं क्लिप शूट नहीं कर पाई थी। फिलहाल ये जो डाइनिंग एरिया है ये बहुत गंदा रहता है, क्योंकि सुबह सुबह, रात को मैं साफ़ कर देती हूँ, लेकिन सुबह में क्या होता है ना कि सब कोई ब्रेकफास्ट करते हैं, यहीं पे बैठते हैं, यहीं पे सामान आके रहता है, तो मतलब पूरा फैल जाती है। और मेरे घर ना थोड़ा सा नीट एंड क्लीन टिप टॉप रहे तो देखने में भी अच्छा लगता है, सुकून सा लगता है आँखों को। फिलहाल यहाँ पे ना जो अंडा है वो आया हुआ था, तो मैं ये अंडा केस में डाल रही हूँ। अच्छा, बहुत कोई मुझे ना ये अंडा केस के बारे में सवाल किए थे, ये अमेज़न से ली थी मैं, आप लोग चेक करो, मिल जाएगा, इजीली अवेलेबल है अमेज़न में। और मैं ना आज सोची कि आज हाथ में थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि आज ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है मुझे, और सामने गणेश चतुर्थी आ रही है, तो रूम क्लीन ही है, लेकिन फ्रिज का ऊपर वाला हिस्सा है ना, बहुत दिन मैंने क्लीन नहीं किया, तो इसको ना आज मैं क्लीन कर ही देती हूँ। और इसका जो ऊपर का टावल है उसको चेंज करके, इसका जो पेयर जो और एक टावल है मेरे पास, वो मैं लेके आई और वो मैंने डाल दिया, क्योंकि मुझे ना पिंक कलर पसंद है, ठीक ठाक है, अच्छा ही लगता है, लेकिन बहुत लाइट वेट हो जाता है। लेकिन मेरे पास अभी फ़िलहाल यही 2 पेयर है कि जो मैं फ्रिज के ऊपर लगा सकती हूँ, तो बस इसीलिए मैं लगा रही हूँ। और मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आपको क्या पिंक कलर पसंद है ज़्यादा? नहीं जी नहीं, मुझे येलो, ग्रीन, रेड, जो चटकदार कलर होती है ना, तो मुझे वो बहुत पसंद है। पीच कलर जो, मतलब मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है पर्पल कलर, सबसे ज़्यादा चटकदार जो कलर होते हैं ना, और मैं हमेशा हेयर में पर्पल वाली, पिंक पर्पल, थोड़ा सा डार्क कलर वाली बैंड लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा डार्क चटकदार कलर पसंद है, वो लाइट वेट कलर मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, सूट ही नहीं करते मुझे। एनीवेज, चलिए मैं यहाँ पे ना अभी ब्रेकफास्ट का तैयारी कर रही हूँ फटाफट से, क्योंकि हस्बैंड आज बोल के गए हैं कि मैं आऊँगा जिम से और उसके बाद ब्रेकफास्ट करके फिर मुझे निकलना है, क्योंकि उनका अभी बहुत बिजी चल रहा है। सामने गणेश चतुर्थी है, आज हम और हस्बैंड कहीं निकलने वाले हैं, प्रोग्राम हुआ है, कल से बहुत सारा प्लानिंग चल रही है और हाथ में टाइम भी नहीं है, हम लोगों का कुछ तैयारी नहीं है और पता नहीं कब तैयारी होगा, क्या होगा, मुझे कुछ नहीं पता। कोई मंडप सिलेक्शन नहीं हुआ, भगवान जी का सिलेक्शन नहीं हुआ, कुछ मार्केट नहीं हुआ, कुछ शॉपिंग नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है। तो आज हम लोगों ने डिसाइड किया फटाफट से ब्रेकफास्ट बनाते हैं और उसके साथ में फटाफट से लंच भी बनाएंगे और हम लोग निकल जाएंगे आज अपने काम कंप्लीट करने। तो फिलहाल यहाँ पे ना आलू टमाटर का सब्जी बना रही हूँ, सिंपल सा जीरा और सूखी हुई लाल मिर्च का छौंका लगा रही हूँ यहाँ पे, बिना प्याज लहसुन का बना रही हूँ, टमाटर डाली हूँ, हरी धनिया डाली हूँ और बस इसको थोड़ा सा मिक्स 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 देना है। थोड़ी सी नमक ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पे, नमक पहले ही ऐड कर दीजिएगा स्वाद अनुसार, तो ठीक ठाक ही रहेगा। तो फिलहाल यहाँ पे थोड़ी सी मिक्स दे दीजिए और उसके बाद ना मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ जिंजर पेस्ट, यानी
यानी कि अदरक का जो पेस्ट है ना वो रेडीमेड वाली आती है, अभी काटना पीटने का मन नहीं कर रहा है, सच बता रही हूँ। फिर अदरक को काटो, फिर उसको पीसो, अच्छा नहीं लग रहा है। तो जो जिंजर पेस्ट आती है ना मार्केट में रेडीमेड वाली, वो वाली मैं यूज़ कर रही हूँ अभी। यहाँ पे थोड़ी सी अभी रेगुलर वाली मसाले डालूंगी, हल्दी मिर्ची धनिया जीरा यही सब डाली हूँ, सिंपल सिंपल सा। और इसको मिक्स 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 करेंगे और बहुत टेम्पटिंग लगता है जी, बहुत टेस्टी लगता है ये वाली सब्जी, मुझे तो बहुत पसंद है। तो फिलहाल यहाँ पे जो आलू है उसको छुरा के मैंने छोड़ दिया था, मतलब प्रिल करके, अब पानी ऐड करूँगी फटाफट से। और ये वाली जो आलू की सब्जी है 2 सीटी में हो जाती है, 2 सीटी लगा दीजिए ये आलू का सब्जी हो जाएगा। थोड़ी सी पानी और ऐड कर रही हूँ क्योंकि पानी ना थोड़ी सी कम लग रही थी मुझे। तो बस चलिए अब मैं यहाँ पे फटाफट से पराठा सेक लूँ, आज पराठा खाने का मन है। अच्छा ये ना जो बिना प्याज लहसुन का है ना, आप मंडे को भी बना सकते हो, क्योंकि आजकल तो मंडे सब कोई बिना प्याज लहसुन का खा रहे हैं, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ। लेकिन बहुत टेस्टी बना था आलू टमाटर का सब्जी और पराठा। तो फिलहाल मैं पराठा बनाने में जुट गई हूँ, पराठा बन जाएगा तो बस हस्बैंड आएंगे तो फटाफट से हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे और उस बीच लंच का भी तैयारी करूँगी। तो हस्बैंड आ चुके हैं और ये रहा आज हम लोगों का ब्रेकफास्ट गर्मा गर्म। तो जी ब्रेकफास्ट करने के बाद ये रहा किचन का हालत, ये देखिए इतना सारा बर्तन गंदगी हो गया है। अभी किचन को मुझे फटाफट से क्लीन करनी है, सारे बर्तन डिशवॉशर में डालूंगी तो बस उसी का ही तैयारी कर रही हूँ और उसके बाद मैं लंच बनाऊंगी। लेकिन ये गंदा हो जाएगा ना तो बस लंच बनाने की ना जगह नहीं मिलती है। तो फिलहाल यहाँ पे जितने सारे बर्तन हैं ये सारे धो के साइड करूंगी क्योंकि ये डिशवॉशर में जानी है। अच्छा किसी ने आप लोग बोल रहे थे ना कि दी डिशवॉशर में बिना बर्तन धोए भी आप लगा सकते हो, वो साफ हो जाते हो तो जाते हैं, लेकिन डिशवॉशर का जो ड्रेनेज है ना वो जल्दी खराब होते हैं, जल्दी जल्दी सर्विसिंग कराने पड़ते हैं। लेकिन आप अगर ऐसे हाथ से धो के साफ बर्तन ढुकाओ ना, थोड़ा सा साफ बर्तन घुसाओ आप अंदर में, तो लॉन्गजीविटी उसका बहुत ज्यादा होती है। तो ये मैंने प्रमोशन नहीं कर रही हूँ लेकिन ये मैंने फील किया है, इतना सालों से यूज कर रही हूँ ना इसीलिए। तो फिलहाल यहाँ पे सारे बर्तन धो के डिशवॉशर में मैं डाल चुकी हूँ। कुकर वगैरह मैं नहीं डालती हूँ डिशवॉशर में क्योंकि मतलब कुकर वगैरह नहीं जाता है, तो कुकर में हाथ से ही चलो साफ कर लेती हूँ। छोटा सा कुकर है, कितना और टाइम लगाएगा तो जल्दी हो जाएगा, तो कुकर बस हाथ में ही मैं धुल लेती हूँ और उसके साथ फ्राइंग पैन भी हाथ ही में धुल लेती हूँ क्योंकि नॉनस्टिक का है ना, तो डिशवॉशर में ना नॉनस्टिक बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे कुकर और फ्राइंग पैन धो लिए हैं और किचन भी थोड़ी सी ना क्लीन अप कर लूँगी। तो बस जब बाद में मैं बनाने आऊँगी लंच तो किचन मेरा नीट एंड क्लीन रहेगा। अच्छा ये जो सिंक को मैं लास्ट बर्तन हिसाब से साफ करती हूँ ना, तो मैं क्यों करती हूँ, क्योंकि इस से ना थोड़ी सी ऑर्डर फ्री रहती है किचन, मतलब छिपकली वगैरह कॉकरोचेस वगैरह नहीं आते हैं, तो एकदम नीट एंड क्लीन रहता है, तो इसीलिए मैंने ये भी साफ कर देती हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे साफ कर देती हूँ, मतलब मांझ देती हूँ एक बार लास्ट बर्तन हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए काउंटर टॉप मैं साफ सुथरा कर लूँगी पहले और गैस स्टोव भी पोछा लगा लूँगी, तो मेरे लिए काम थोड़ी सी आसान हो जाएगी। मतलब जब लंच बनाने आओ ना तो निश्चिंत होकर आप लंच बनाओ, कोई टेंशन दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन लंच बनाने आओ और देखो पूरा किचन फैला हुआ है तो दिमाग ऐसे ही चढ़ जाता है। और लंच थोड़ा लेट से ही बनाती हूँ आजकल। और फिलहाल यहाँ पे डिशवॉशर जो लोडेड की थी मैं उसको मैंने डाल दिया है और ये डिशवॉशर डिटर्जेंट है जो अलग से ऑनलाइन से मंगाने पड़ते हैं। तो फिलहाल चलिए डिशवॉशर ऑन कर देते हैं और यहाँ बर्तन अपने हिसाब से धुलते रहेगा। और वहां मॉर्निंग, और सुबह का सारा काम निपटाने के बाद मैं बेडरूम क्लीन कर चुकी हूँ और मेरा सारा काम निपट गया है, ब्रेकफास्ट वगैरह बन गया, मैं फटाफट से लंच का तैयारी करूँ। मैं फ्रेशन अप हो गई हूँ, पूजा पाठ मेरी हो चुकी है और आज फटाफट से लंच का तैयारी करूँ, प्रिपरेशन कर लूँ तो मेरा एक्चुअली सब चीज जल्दी हो जाएगा, जल्दी काम खत्म करूंगी। तो थोड़ा सा निकलने का भी प्रोग्राम है, गणेश चतुर्थी आ रही है तो उसका भी थोड़ी बहुत तैयारियां करनी है, बाकी है तो मंडप सिलेक्शन है। और बाय द वे इसमें ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, बाहर उतनी धूप नहीं है, जब तक बारिश हो रही है बोल के मैंने छत पे नहीं डाली हूँ,
ये एक्चुअली रात को हम लोग कंबल ओढ़ के सोते हैं। कल रात को क्या हुआ, पानी पीने उठे थे तो मैं भी उठ गया कि मम्मा पानी पीना है। दोनों पानी पी रहे थे, बॉटल स्लिप्ड हो गया और ये पूरा कंबल मेरा भीग गया पानी स्लिप्ड होके। मतलब पूरा भीगा हुआ है, अभी 2-3 दिन लगेगा इसको सूखने में। मतलब इसका सिर्फ मतलब कवर निकाल के मैं धो देती तो ठीक था, लेकिन पूरा कंबल भीग गया है। मतलब एकदम लमलमा पानी से कल रात को 2:30 बजे ये कांड हुआ। एक्चुअली मैं पानी पिला रही थी, मेरा हाथ से स्लिप्ड हो गया। पता नहीं कैसे नींद में थी, मैंने सोचा कि उसका हाथ में बॉटल दूं तो वो पानी गिरा देगा। तो वो बोल रहा था मम्मा मुझे दे दो मैं पी लूंगा। तो मैंने बोला कि नहीं मैं पिला देती हूँ, नहीं तो तुम्हारा हाथ से बॉटल गिर जाएगा, खामखा बेड भी भीग जाएगा और ये कंबल वगैरह भी भीग जाएगा। तो ऐसी वैसी चलता है तो कंबल ओढ़ के ही सोता है वो। तो मेरी ही गलती है कि मेरे हाथ से ये स्लिप हो गया और पूरा पानी गिर के एकदम बेड भी पूरा भीग गया मेरा। मतलब कल रात को बहुत परेशानी गया। एनीवेज चलो होते रहता है कभी कभी। तो फिलहाल मैं दाल चावल चढ़ा दूं और उसके बाद आज निकलने का प्लान है। एक्चुअली गणेश चतुर्थी, मैं जो बोल रही थी गणेश चतुर्थी आ रही है तो उसका भी तैयारी बाकी है, कुछ तैयारी नहीं हुआ है। तो कल रात को हम लोगों ने डिसाइड किया, मैंने और हस्बैंड ने, हस्बैंड बोले सुबह सुबह हम निकल जाएंगे, घर आके ब्रेकफास्ट करेंगे, तब तक तुम लंच भी प्रिपेयर करके रखना, उसके बाद कहीं जाने का कुछ प्लान है, देखते हैं। फिलहाल चलो लंच प्रिपेयर करते। अभी फिलहाल हो रहा है घड़ी में 9:20 और 1 मिनट, ये देखो घड़ी में हो रहा है अभी 9:20 और मैं तैयारी करने लगी हूँ लंच बनाने की। तो जी मैं यहाँ पे लंच बनाने लगी हूँ, लंच की तैयारी करने लगी हूँ। सबसे पहले चावल चढ़ाऊंगी और उसके बाद दाल चढ़ाऊंगी। और किचन मेरा फैल गया है फिर से, क्योंकि मैं कुछ साफ सफाई कर रही थी इसीलिए, और एक रोटी मेरा बच गया है। और बस जो साफ सफाई कर रही थी वो बाद में मैं क्लीन करूंगी, फिलहाल सामने की तरफ क्लीन है। तो मैं फटाफट से चावल चढ़ा देती हूँ यहाँ पे। चावल मैंने चढ़ा दिया है और अब यहाँ पे चढ़ा रही हूँ मैं दाल। आज घर में मूंग की दाल ही बनाऊंगी, मैं मसूर का दाल वाली नहीं बना रही हूँ। मूंग का दाल बहुत ही नहीं बना घर में 2-3 दिन से, तो मैं आज वही मैं बना रही हूँ सबके लिए। थोड़ा ज़्यादा ही बना रही हूँ, कुकर छोटा है लेकिन दाल पूरा भर के बनाऊंगी, इसीलिए बनाऊंगी क्योंकि रात का भी दाल हो जाए मेरा, लिपट जाए। हल्दी नमक डाली हूँ दाल में, अब इसको ना बॉईल करने रखूंगी 2 सीटी में, ये इनफ है, 2 सीटी में ये बॉईल हो जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे दाल चढ़ा दिया, साथ में यहाँ पे भिंडी भी रखी थी तो भिंडी को काट के, या फिर नहीं काट के नहीं, तो उसका पहले इसको वॉश करूंगी बहुत अच्छे से और उसके बाद इसको कट करके इसका बहुत अच्छा एक रेसिपी बनाऊंगी। फिलहाल भिंडी साफ मैंने कर ली है और यहाँ पे मैं बना रही हूँ भिंडी मसाला, थोड़ी अलग टाइप के बना रही हूँ। और यहाँ पे भिंडी कट कर रही हूँ मैं, फटाफट से भिंडी कट हो जाए एक बार, उसके बाद मैं सब्जी भी चढ़ा दूंगी। दाल मेरी ऑलमोस्ट बन चुकी है और इसको तड़का लगाऊंगी अभी। तो चलिए दाल को तड़का लगाते हैं। तड़का पैन मैंने ले लिया है, सिंपल सरसों का तेल ऐड किया मैंने। तड़का कुछ हैवक मतलब हैवी कुछ नहीं होता है, सिंपल सा होती है और बहुत टेस्टी लगती है। तो बस सूखी हुई लाल मिर्च मैंने इसमें ऐड किया है, थोड़ी सी कलर ले ले। तो इसमें ऐड कर रही हूँ मैं थोड़ी सी जीरा और उसके साथ कश्मीरी रेड चिली पाउडर थोड़ा सा मैंने ऐड किया, इसे ना कलर इन्हांस हो जाता है। आप लोग इस ट्रिक को फॉलो कीजिएगा तो पक्का आप लोगों का दाल बहुत स्वाद बनेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे
दाल मेरी रेडी हो चुकी है, तो चलिए इसको साइड करते हैं। और ये ना मसाला दानी मेरा मतलब पूरा का पूरा खाली हो गया था, तो मैंने इसको धो के वॉश करके छोड़ दिया है। और बस यहाँ पर रिफिल कर रही हूँ, थोड़ी सी जीरा रखूंगी, और जीरा पाउडर और धनिया पाउडर मैं कल बनाऊंगी, तब मैं रखूंगी, फिलहाल खत्म हो रखे हैं। और बस चलिए ये तो हो गया मसाला दान, और इसको मैं साइड करती हूँ। फिलहाल मैंने ले लिया एक कढ़ाई, कढ़ाई में डाल रही हूँ मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल, और इसमें थोड़ी सी डाल रही हूँ मैं मिर्ची, मतलब सूखी हुई साबुत वाली लाल मिर्ची। मैं भिंडी का जो बनाने वाली हूँ वही शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। फिलहाल यहाँ पे डाल दी हूँ मैं भिंडी जो चॉपिंग करके रखी थी, अभी अभी ऑयल में डाली है। और बस इसमें नमक और सारे मसाले इसमें कर देंगे। तो नमक ऐड किया, हल्दी ऐड की मैंने इसमें, तो इसके साथ कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड किया, और उसके साथ ही और कुछ नहीं ऐड करना है। तो चलो इसको अच्छे से फटाफट से मिक्स दे देते हैं, स्टर दे देते हैं। तो ये बस चलो मिक्स हो चुका है मेरा, थोड़ी सी कसर बाकी है क्योंकि इसमें अभी मुझे ऐड करनी है थोड़ी सी प्याज। प्याज डालने से क्या होता है ना कि भिंडी का स्वाद बहुत बढ़ जाता है, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो फिलहाल चलिए भिंडी का सब्जी तो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। एक चम्मच में बेसन डाल रही हूँ इसमें, बेसन डाल के इसको भूनना है बहुत अच्छे से। तो ये देखिए, तो जी भिंडी का कलर चेंज हो जाए, उसका दाने निकलने लगे, तो बस सोचिएगा कि भिंडी आपका रेडी हो चुका है। फिलहाल इसमें ना थोड़ी सी मैं ऐड करूंगी अभी पानी, क्योंकि पानी ऐड करने से फिर भिंडी का वो स्वाद और वो खुशबू आएगा, तो बस वो स्वाद आ जाएगा भिंडी में। और भिंडी से ना बहुत मतलब चाव से मेरे घर में सबको भिंडी खाते हैं, जैसे मैं बोलिए, हस्बैंड बोलिए, मैं बहुत अच्छा से भिंडी मतलब बहुत चाव से खाते हैं घर में। तो चलिए ये भिंडी तो बनके रेडी हो गया है, इसको थोड़ी सी 5-1 मिनट ढक के छोड़ दिया ना, तो चलो भिंडी थोड़ी थोड़ी पकने लगी है अभी, तो इसको मैंने एक स्टर दे दिया हल्का सा। चलिए जी भिंडी हो गई है रेडी। मेरा आज दोपहर का खाना यही था, दाल चावल और मसाला वाला भिंडी, लेकिन ये थोड़ी सी कसर बाकी है, इसमें थोड़ी सी पानी ऐड करनी है, और थोड़ी थोड़ी करके पानी ऐड कीजिए, और ये भिंडी मसाला बनके आपका तैयार हो गया। लुक एट दिस, इतना टेम्पटिंग लग रहा है ना, बहुत टेस्टी बना था, ट्रस्ट मी बहुत अच्छा बना था। और ये रहा हम लोगों का फाइनली भिंडी मसाला, तो चलिए इसको ढक देते हैं और 10-15 मिनट बाद इसको ओपन करते हैं। तो ये देखिए धीमी धीमी आंच में ये ऑलमोस्ट नहीं पूरी तरह से ये पक चुका है, और बहुत अच्छा खुशबू आ रही थी जब ना खोले ढक्कन, खोलने के बाद ना बहुत अच्छा लग रहा था। तो फिलहाल चलिए ये तो हो गया है एकदम से रेडी, अब भिंडी को फटाफट से रूम टेम्परेचर में लाएंगे और मैं इनको सर्व करेंगे। तो बस ढक के इसको साइड में छोड़ चुकी थी, तो लंच वंच बनाने के बाद चाय वाय पिए, और उसके बाद हम लोग निकलने के लिए एक घंटा से हम लोग वेट कर रहे हैं, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, मतलब इतना तेज थकार बारिश हो रही थी, अभी थोड़ा सा जब रुका कि हम लोग निकलेंगे, अभी मैं को स्कूल से लाने का टाइम हो गया। हम लोग मार्केट जाने वाले थे, गणपति का तैयारी चल रहा है, मतलब कुछ तैयारी नहीं है गणपति का, तो मतलब क्या करेंगे कुछ समझ नहीं आ रहा। कल से हम लोग बोले कि हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, बारिश में तो मार्केट जाना पॉसिबल है नहीं, मतलब हालत पूरा खराब हो रखी है बारिश से, पता है, मतलब फिर से बारिश। अभी थोड़ा सा रुका, मैं को स्कूल से लाने चले गए, हस्बैंड हम बोले छोड़ो रहने दो, शाम को देखते हैं जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे सामान लेना है, अभी से स्टार्ट नहीं करेंगे ना तो मतलब। तो जी लंच बनाने के बाद मैं बना रही हूँ यहाँ पे गर्मा गर्म चाय मेरे लिए, और बहुत लेट हो रहा है लेकिन फिर भी मैं बना रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो चलिए इसके साथ मैं आ गई हूँ आज वीडियो का एंड में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।